हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द आसाज किचन। आज हम बनाएंगे वेज तंदूरी मोमोज और बहुत इजी प्रोसेस से बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी वेज मोमोज, जिसके लिए हमने 250 ग्राम हमने मैदा लिया है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने 1 कप मैदा लिया है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो व्हीट फ्लोर या गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये मैदा लिया है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच सॉल्ट और इसके अंदर सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 चम्मच डालेंगे हम लोग ऑयल। अब इसको हम लोग फ्रेंड्स, अब मोमोज के लिए हम लोग सिंपल पानी से इसका सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो मोमोज के लिए डो रेडी किया था, ये देखिए सॉफ्ट डो रेडी हो गया। अब इसको हम लोग इसके ऊपर अच्छे से ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट होने के लिए रख देंगे और हम लोग जो मोमोज के अंदर फिलिंग की तैयारी करेंगे वेजिटेबल की, वो अब तैयारी करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, हमने पत्ता गोभी ली थी, 1 कप पत्ता गोभी को अच्छे से कट करके इस चॉपर के अंदर हमने अच्छे से क्रश कर लिया था। अब इसके अंदर हमने प्याज डाल दिया और अदरक डाल दिए और हरी मिर्ची भी डाल दिए और है ना 2 गार्लिक भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम लोग इस ग्राइंडर से ऐसे चॉप करेंगे, जिससे कि हमारी जो वेजिटेबल है एकदम बारीक और अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, देखिए हमने अच्छे से पहले पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था एकदम बारीक, और आप कट भी कर सकते हो बट चॉपर से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अंदर हमने प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची को भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच सॉल्ट और पिंच ऑफ डालेंगे हम लोग हल्दी पाउडर। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके तीन से चार मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने जो मोमोज के लिए वेजिटेबल को अच्छे से क्रश करके सॉल्ट और हल्दी लगा के रखा था, अब इसके अंदर से हम लोग एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर से हम लोग पानी निचोड़ के निकाल देंगे, जिससे कि हमारे जो मोमोज की स्टफिंग है वो अच्छी होगी। फ्रेंड्स, हमने जो वेजिटेबल को क्रश किया था उसके अंदर से हमने पानी निकाल दिया। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक कैप्सिकम है, जिसको हमने अच्छे से बारीक कट कर लिया था। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे पनीर, क्यों आज हम बना रहे हैं तंदूरी वेज पनीर मोमोज। ये पनीर हमारे घर के बनाई हुई है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हमने जो अंदर फिलिंग की तैयारी की थी मोमोज की, इसके अंदर हम लोग अब मसाले डालेंगे। तो हमने पीसी ब्लैक पेपर लिए 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम लोग लेंगे रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून हम लोग लेंगे अमचूर पाउडर। अब इसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने कच्चे इनमें अच्छे से क्रश कर दिए हैं, आप अगर डालना चाहो तो डाल भी सकते हो। फ्रेंड्स, हमने जो मोमोज के लिए फिलिंग रेडी की थी वो रेडी हो गई। अब हम लोग बनाएंगे मोमोज। फ्रेंड्स, मोमोज को स्टीम करने के लिए हमारे पास मोमोज स्टीम मेकर तो है नहीं, तो हमने इडली वाला कुकर लिया है और हमने ये जो हम लोग राइस इसमें राइस का पानी निकालते हो वाली छलनी ली है और उसको हम लोग इसके ऊपर रख देंगे और इसके अंदर हम लोग ऑयल को ग्रीस करके अभी आपको मोमोज बताएंगे रख के। ये हमारा स्टीमर रेडी हो गया। अब हम लोग मोमोज बनाने की तैयारी की। फ्रेंड्स, हम लोग हमारे जो मोमोज का डो है उसके अंदर हम लोग 1-2 ड्रॉप ऑयल डाल के इसको अच्छे से 1-2 बार हम लोग नीट कर लेंगे ऐसे, जिससे कि ये स्मूथ हो जाए।
ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब हम लोग इनकी गोल गोल पेड़े बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो मोमोज के लिए डो रेडी किया था उसके छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना लेंगे और इनको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए अच्छे से हमने बेल लिया है ना, तो बहुत मोटा नहीं बहुत पतला भी नहीं। ये देखिए अब इसके अंदर हम लोग ये हमने जो मोमोज की फिलिंग रेडी की थी उसको हम लोग इसके अंदर फिल करेंगे। ये देखिए, कर दी। अब हम लोग मोमोज का शेप बनाएंगे, धीरे धीरे ऐसे प्लेट्स करेंगे। ये देखिए आप, जिससे कि मोमोज का शेप आ जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे ऐसे टर्न कर देंगे। ये देखिए, ये मोमोज बन गया। एक और मैं बताती हूँ आपको, हम लोगों ने ये रोटी बेल ली है, मैं और बताती हूँ आपको। ऐसे उठाना है, फिर इन प्लेट्स को ऐसे ऐसे करना है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स ये देखिए हमारे मोमोज रेडी हो गए सारे। फ्रेंड्स हमारे सारे मोमोज बन के रेडी हो गए। अब हम लोग जिसमें स्टीम करेंगे उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हम लोग 8 से 9 मिनट के लिए हमारे मोमोज को अच्छे से स्टीम करेंगे। एक्चुअली मेरे जो है ना ये छलनी है छोटी है, इसलिए 2-3 टाइम के लिए हम लोगों को स्टीम करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है इसमें। फ्रेंड्स अब इसको हम लोग 8 से 9 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे। फ्रेंड्स हमने जो मोमोज़ को स्टीम होने के लिए रखा था 8 से 9 मिनट हो गए। ये देखिए हमारे मोमोज अच्छे से स्टीम हो गए। पूरी तरीके से हम लोग इनको अच्छे से बाहर निकालेंगे। ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो मोमोज हैं अच्छे से स्टीम हो गए। अब हम लोग इनको पहले ठंडा करेंगे, फिर हम लोग इनको फ्राई करेंगे। हम लोग हमने गैस पे ऑयल चढ़ा दिया, अब हमारे मोमोज को हम लोग फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं क्योंकि हम लोग इनको फिर अच्छे से मैरिनेट करेंगे, हार्ड हो जाएंगे ये। फ्रेंड्स हमारे मोमोज़ को हम लोगों को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम लोग इसको मैरिनेट करके अच्छे से सेकेंगे, इसलिए ज़्यादा अगर हम लोग फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हम लोग। फ्रेंड्स इसको अच्छे से हम लोग चलाते हुए, इसमें लम्स ना रहे अच्छे से हमने ये मिक्स कर लिया। फ्रेंड्स हम लोग अब मोमोज़ को जो अच्छे से मैरिनेट करने की तैयारी करेंगे, तो इसके अंदर हमने डाली है कस्तूरी मेथी और पुदीना पाउडर और हरा धनिया, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे पिंच ऑफ गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, ये छोटा चम्मच है ये लिया हमने। और इसके अंदर हम लोग सरसों के तेल का अच्छे से तड़का देंगे, तेल होना चाहिए हमारा एकदम। फ्रेंड्स ये हमने सरसों का तेल लिया है,
तीन टेबल स्पून ऑयल लिया हमने, इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग ऐसे तड़का देंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मैरिनेट फ्रेंड्स, इस मोमोज़ को हम लोग रेड कलर देने के लिए ऑप्शनल है, बट मेरे पास फूड कलर अवेलेबल था रेड कलर, तो वो हम लोग एक ड्रॉप रेड कलर डालेंगे, जिससे कि हमारा जो मोमोज़ है एकदम रेड कलर के हो जाएंगे। ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है एकदम रेड कलर की हो जाएगी। ओनली वन ड्रॉप मैंने जेल फूड कलर लिया है। ये हमारे मैरिनेट की ग्रेवी एकदम रेडी हो गई। ये देखिए एकदम रेड कलर आ गया। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे मोमोज। फ्रेंड्स, हमने जो मैरिनेट के लिए, जो मोमोज की मैरिनेट के लिए जो हमने ग्रेवी रेडी की थी वो रेडी हो गई। इसके अंदर हम लोग मोमोज डाल देंगे। इसको हम लोग अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग मोमोज़ के अंदर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने चारकोल को अच्छे से गैस के ऊपर गर्म कर दिया। ये देखिए आप, और इसके बीच हमने एक कटोरी रख दी है। अब इसके अंदर हम लोग चारकोल रख के इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे सरसों का तेल भी डाल सकते हो आप, और घी भी। तो इसके अंदर क्या अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख। फ्रेंड्स, हमारे जो मोमोज़ में स्मोकी फ्लेवर आ गया है, ये देखिए, ज़्यादा देर नहीं रखना है हम लोगों को। अब हम लोग इनको अच्छे से सेकेंगे गैस के ऊपर। अब हम लोग है ना मोमोज को इस सिंक के अंदर अच्छे से असेंबल करके गैस के ऊपर हम लोग सेकेंगे वन बाय वन। इसके अंदर हम लोग मोमोज को अच्छे से असेंबल करेंगे। अगर आपके पास ये सिंक नहीं है तो फ्राई पैन में भी आप हल्का सा ऑयल लगा के इनको रोस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। अब हम लोग इसको ऐसे घुमाते हुए राउंड अप करते हुए अच्छे से इनको सेक लेंगे। हम लोगों को एकदम ब्राउन करना है, जिससे कि अच्छे से मोमोज सिक जाए। फ्रेंड्स, देखिए हमारे अच्छे से मोमोज अच्छे से सिक गए हैं। आज हम बना रहे तंदूरी मोमोज, और वैसे ही हमारे किचन में खुशबू आ रही है, एकदम स्मोकी फ्लेवर दिया है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे सारे मोमोज सिक गए हैं, और हम लोग वन बाय करके, क्योंकि मेरे पास जो सिंक है एक ही है, और सारे मोमोज मैं ऐसे सेक के आपको बताऊंगी। ये देखो अच्छे से सिक गए हैं। और फ्रेंड्स, सारे मोमोज हम लोग ऐसे सेक लेंगे। बनाए थे तंदूरी मोमोज, वो हमारे रेडी हो गए, और हमने अमूल क्रीम से इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। आप इसके अंदर वाइट मेयोनीज भी डाल सकते हैं, और मक्खन भी डाल, ऑनियन से गार्निश कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप है ना ऐसे सिंपल भी सॉस या चटनी के साथ इसको आप खा सकते हो। अब हमारे तंदूरी मोमोज रेडी हो गए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने यम्मी और टेस्टी बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। चिल देन, बाय बाय, इन्जॉय।